समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को फिलहाल प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिला है। हालांकि बिना इसका जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जब राम बुलाएंगे तो वो जाएंगे। हम सब लोग उस परंपरा को मानते हैं और हमारे पूर्वज और हम लोगों के समाज में माना जाता है कि जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप, बिना बुलाए कोई नहीं जाता। भगवान बुलाते हैं तो हम सब जाते हैं, और ये भी हम जानते हैं कि भगवान कब किसका बुलावा दे दे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, इस पर सियासत भी तेज होती जा रही है। वहीं कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिलने का दर्द है तो कहीं कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का ऐलान। एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा कि उनको कार्यक्रम का निमंत्रण अभी नहीं मिला है। हालांकि उन्होंने ये कहकर अपना दर्द जरूर कम किया कि वो ऐसे कार्यक्रमों से दूर रहते हैं। और हमारे सहयोगी अमन चोपड़ा ने केशव प्रसाद मौर्य से बातचीत की है, वो बातचीत सुनाते हैं। अयोध्या की धूल को अपने मुझे माथे लगाने का सौभाग्य मिल रहा है, उस अयोध्या में स्वच्छता के काम को करने का सौभाग्य मिल रहा है, उस अयोध्या को सजाने के लिए जो अभियान चल रहा है उसको सुधारने के लिए संवारने के लिए या मौका मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार, चाहे यहाँ की सड़कों का चौड़ीकरण हो, चाहे यहाँ के मंदिरों का सौंदर्यीकरण हो, जो 100 साल पुराने मंदिर हैं उनको भी हम लोग जीर्णोद्धार करवाने का काम कर रहे हैं, सड़कों को चौड़ा करने का काम कर रहे हैं। जब अयोध्या नाथ भगवान श्री राम वनवास में गए थे तो माता सीता जी का हरण हो गया था। माता सीता जी के हरण के बाद राम रावण युद्ध सब लोग जानते हैं, और उस युद्ध के बाद भगवान श्री राम अयोध्या जब वापस आए थे उस समय वह पुष्पक विमान से आए थे। ठीक, तो त्रेता युग में यहाँ एयरपोर्ट रहा होगा, ये मैं जानता हूँ। मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया भर के राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को अयोध्या आने के लिए जैसे पुष्पक विमान से भगवान श्री राम आए थे, अब विमान में बैठकर भगवान राम के भक्त आ सकें इसके लिए अयोध्या के एयरपोर्ट बनकर के तैयार है। यहाँ का रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय है, विश्व में इस प्रकार का रेलवे स्टेशन शायद ही होगा। ठीक, ऐसा रेलवे स्टेशन है जिस रेलवे स्टेशन को देखने से मैं स्वयं इतना आनंदित हूँ कि कोई राम भक्त आएंगे उनको रेलवे स्टेशन भी मंदिर जैसा दिखेगा, रेलवे स्टेशन में भी उनको रुकने की व्यवस्था। अच्छा, मैं अभी जब आया था केशव जी, मतलब क्योंकि आप तो कार सेवा का हिस्सा रहे हैं, आपने कार सेवा तक की है, आंदोलन किया है, मैंने कहा प्रमाण से परिणाम तक, आप बुरा ना माने, आया था थोड़ा गुनगुना रहे थे आप। मैं क्योंकि ये भावुक क्षण आपके लिए होगा, राजनीतिक बात मैं आज नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये आप थोड़ा गुनगुना भी रहे थे और भावुक क्षण आपके लिए है ही। निश्चित तौर से देखिए, जब भगवान श्री राम ताले के अंदर बंद थे, बिल्कुल कोई राम भक्त आता था दर्शन करने के लिए तो भगवान राम ताले में बंद है, बाहर से भगवान को प्रणाम करके जाता था। यह हिंदुओं का देश है, यह राम का देश है, जहां राम राज्य की परिकल्पना आजादी की लड़ाई में भी की गई थी कि अंग्रेज जाएंगे तो हम राम राज्य लाएंगे। जी, वह भगवान राम ताले में बंद थे तो उस समय आंदोलन चला था देश के अंदर, प्रदेश के अंदर यात्रा निकाली गई थी ताले में बंद भगवान राम, और वह यात्रा जब निकाली गई थी तो उस समय एक नारा लगाते थे हम लोग, आगे बढ़ो जोर से बोलो, श्री राम जन्मभूमि का ताला खोलो। वह ताला 1 फरवरी 1986 को रामलला की लीला है, ये उनकी कृपा से रामद्रोहियों को सद्बुद्धि आई, उस समय राम भक्तों के दबाव में खोलना पड़ गया ताला। ठीक, उसके बाद आंदोलन का कई चरण है, चाहे वो शिला पूजन हो, चाहे चरण पाल। गुनगुना रहे थे ना आप, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए ना आज दर्शकों के लिए, थोड़ा सा। नहीं, मैं गुनगुना केवल यही रहा था कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, सौगंध राम की खाए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, हमारे विरोधी कहते थे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, मैं आज उनको तारीख बता रहा हूँ कि 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने जन्म स्थान पर 500 साल बाद विराजमान होने जा रहे हैं। रामलला के विराजमान होने मात्र से बहुत लोगों का हाजमा खराब है, बहुत लोगों को यह दृश्य देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा है,